अब आप सोच रहे होंगे कि ये ईंटें मैं कहाँ ले जा रही हूँ। बस आप आगे देखते जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हनुमान मंदिर बहुत सालों पहले हमारे दादाजी ने बनवाया था। तो ये है हमारा हनुमान मंदिर। तो यहाँ पे है ना, अभी कल है ना हवन होने वाला है, उसके लिए ना मैंने यहाँ पे है ना ईट ला ली है। देखो वह उसी की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मंडप भी लग रहा है अभी। और मेरे जो पापा और दादाजी है ना, वो हर साल हनुमान जी का जन्मोत्सव है ना एकदम धूमधाम से मनाते हैं, और वो भी सुबह 6 बजे। तो चलो फिर अभी हम घर पर चलते हैं, और कुछ तैयारी होगी तो वो भी करेंगे। आ गए पापा, मैं ईट डाल के डालेगा। हाँ डाल दिए। हवन कुंड में अपने हाथ से एक एक ईट, एक भी ईट अगर तुम दे देते हवन कुंड के लिए, हाँ। तो तुम्हारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और तेरे ऊपर तो बहुत ही प्रसन्न है भगवान। तो अभी बज रहे हैं 4:30, और मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए, क्योंकि है ना कल के लिए है ना हम है ना पूजा का सामान भी ला रहे हैं, और मुझे है ना मेरे लिए ड्रेस भी लेना है कि कल मैं क्या ड्रेस पहनूंगी। हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी करने मार्केट जा रही, और उसी बहाने से अपने लिए एक न्यू ड्रेस भी लेने जा रही तू। चलो निकलते हैं मार्केट के लिए। मुझे है ना मार्केट जाना बहुत पसंद है, और स्पेशली स्ट्रीट शॉपिंग करना तो बहुत ही पसंद है। किस किस को पसंद है बताओ। पापा आप हमें मार्केट छोड़ के पुराने वाले घर पे जाने वाले हो ना, वहाँ से भी कुछ सामान लेना है। हाँ तुमको मैं मार्केट छोड़ता हूँ, तुम जाओ मार्केट में, सब कल की तैयारी करो, मैं जाता घर पे। ठीक है, पूजा की तैयारी करता। ओके। शॉपिंग वगैरह तो हम कर लेंगे, लेकिन है ना मुझे एक अच्छा सा ड्रेस भी चाहिए कल पहनने के लिए, एकदम अच्छा सा, है ना मम्मी? हाँ। ट्रेडिशनल वाला जो मैं कल पहनूंगी। तो पंजाबी ड्रेस ले लो, एक अच्छा वाला और सस्ता वाला। हाँ हाँ ले लेंगे, लेकिन वो अच्छा दिखना चाहिए। एक ही लेने का लेकिन? हाँ एक ही लेंगे। ठीक है एक ही लेंगे। लाओ 2 पैसे फिर पापा, जरा ज्यादा पैसे देना, खर्चा तो नहीं करेंगे लेकिन दे कितने देना। कितना और पैसे? 1000 रुपए दो। तुम ज्यादा दो, 1000 ये ले, 2000। चलो बाय पापा। तो सबसे पहले हम जाएंगे कल की पूजा का जो भी सामान है, हार फूल वगैरह वो सब लेंगे। फिर उसके बाद में मेरे लिए एक पंजाबी ट्रेडिशनल वाला ड्रेस लेंगे, एयररिंग्स वगैरह उसके मैचिंग, देखते और क्या है। अब पापा को कौन समझाएगा कि किसी भी लड़की को त्योहार के दिन न्यू ड्रेस चाहिए ही होता है। चलो यहाँ चल के पंजाबी ड्रेसेस देख लेते हैं। फिर हमने वहाँ पे एक येल्लो ड्रेस देखा जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ये भी मस्त है ना? हाँ इसका कलर अच्छा है, एकदम फ्रेश कलर है। दिखा। मुझे एक ऐसा ड्रेस चाहिए था जिसे बिल्कुल भी संभालना ना पड़े। आप सब लोग भी बताओ ये वाला अच्छा है या फिर ये पिंक वाला लहंगा अच्छा है। हमने वहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस देखे, बट उनमें से कोई भी ऐसा ड्रेस नहीं था जो मैं तुरंत ले लूं। इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा मम्मी। मैंने है ना 2-3 शॉप देख लिए, लेकिन है ना मुझे कोई भी पंजाबी ड्रेस है ना ऐसे पसंद नहीं आ रहा है, जो है ना मुझे है ना ऐसी एक नज़र में पसंद आ जाए, वैसा वाला ड्रेस मुझे अभी तक नहीं मिला। तो मम्मा को ये ब्लू वाला ड्रेस पसंद आया, और उसी सेम ड्रेस में हमें दूसरा वाला कलर मिल गया। आप सब भी बताओ अच्छा है। और जब मैंने ये ड्रेस अपने पे लगा के देखा तो मुझे एक फीलिंग आई कि ये ड्रेस मुझ पे अच्छा दिखेगा। तो फाइनली वो जो स्किन कलर का ड्रेस था ना वो मैंने ले लिया है। अभी उसके ऊपर मुझे एयररिंग, सैंडल सब कुछ लेना पड़ेगा मैचिंग। चलो मम्मी। देखो ये वाली कैसी है, देखो ये वाली कैसी है, चल के दिखा। गर्ल्स बताओ कैसी है ये वाली। मुझे ये वाली सैंडल पसंद आई, और मुझे ना दूसरी वाली सैंडल भी पसंद आई थी, तो मम्मा ने कहा दोनों भी ले ले, तो मैंने दोनों सैंडल ले ली। और ये वाले जो स्पोर्ट्स शूज है ना, ये मेरे और मम्मी के तरफ से प्रेरणा को गिफ्ट।
कंफर्टेबल है कहते को साइज बराबर है चल के बता दो। और ये डेली यूज के लिए स्लीपर अच्छा है ना हील्स वाले चल हाँ चल के ज़ॉम्बी की जैसे किचन क्या तुम्हें अच्छे लगे देखो हाँ चल ठीक है फिर तो देखो शूज सैंडल वगैरह हमने ले लिया है बस अभी मुझे एयरिंग्स लेने हैं और फिर उसके बाद में हम पूजा का सामान ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे कितने सारे एयरिंग्स हैं तो मुझे है ना स्किन कलर की ड्रेस पहने एकदम डार्क कलर के एयरिंग चाहिए है क्या तो मुझे रेड वाला इयररिंग पसंद आया और मम्मा को वो दूसरा वाला पसंद आया तो फिर हमने दोनों भी ले लिए और फिर हमने पूजा के सामान की भी खरीदी कर ली और बस हो गई हमारी आज की शॉपिंग। चलो मम्मी हो गया ना सब कुछ चलो फिर मैंने पापा को भी कॉल कर दिया है अभी पापा आते ही होंगे। मम्मी चलो जल्दी पापा आ भी गए कब से आ गए हम हो गए। कितना खर्चा किया माँ ने थोड़ा सा ही किया ज्यादा नहीं। पापा बताओ आपने क्या क्या सामान लाया वो क्या पीछे मोतीचूर के लड्डू है देसी घी वाले प्रसाद चलो दादी भी आ गई रेडी होके बाय प्रेरणा कला तू आ जाओ दादी बैठो जल्दी। अभी हम वापस घूम के आ गए क्योंकि है ना सोनल दीदी को भी आना है उसका अचानक से फोन आ गया था। हेलो दीदी एक फोटो हाँ हाँ लो ना रुको मैं आ जाओ आ गया ना आपका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हूँ मैं आज KGF का ब्लॉग देखा मैंने कल का। अच्छा 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 थैंक यू हाय तुझे ऐसे वीडियोस बघत असतो ना कंटिन्यू हां तो त्याला सांग स्टडी पण करायचा स्टडी पण करायची मी पण स्टडी करते हां त्याच्या सोबत हां जरुरी आहे त्या तो म्हणे मी भेटू का तिला जाऊन म्हणलं ऑफ कोर्स भेटणार हां स्टार्ट काय भेटायचं ना आ गई सोनल दी अरे इधर से आ हाय सोनल दी कैसी है तू केशर सुपरमार्केट रुकाते मुझे थोड़ा सामान लेना था अभी गए थे ना रे तुम मार्केट में नहीं वो मार्केट में नहीं मिलता केशर सुपरमार्केट जा लेने का अभी क्या रहेगा वहां से आप रुकाओ ना रुका दो वहां पे साइड में आती हूँ मैं जाके रुको जल्दी से लेके हाँ मैं आपको अंदर चल के बताती हूँ मुझे क्या लेना है। हाय कैसे हो सब लोग मम्मी भी आ गई मेरे पीछे पीछे और देखो ये क्या लिया है पापड़ मसाला हो गया ना हो गया ले लिया मैंने आइसक्रीम इस बार वहाँ पे ज्यादा आइसक्रीम नहीं थी इसीलिए मैंने दो ही फ्लेवर के आइसक्रीम ली है कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम फुल शॉपिंग करेंगे। हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर एक हनुमान मंदिर है और ये सब लोग पैदल चल के वहीं पे जा रहे हैं। आ गई हूँ मैं घर पे तो अभी है ना मैं जल्दी से ये जो आइसक्रीम है ना ये फ्रिज में रख देती हूँ नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी। क्या कर रहा था तू मजा आया ओ इतना गुस्सा ये पानी के बॉटल के साथ में खेल रहा था ये दुनिया वाले ये पानी के बॉटल के अंदर पानी भर के 20 रुपए में बेचते उनको शर्म नहीं आती। अरे बाप रे ये कितने सारे शॉपिंग करके लाई दीदी ने बजरंग बली के लिए आधी शॉपिंग कर ली और खुद के लिए आधी शॉपिंग कर ली दीदी ने। चलो अभी मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ मार्केट में इतना घूमी हूँ ना तो बहुत भूख लगी है। क्या चल रहा पकड़ना डब्बा पकड़ना नीचे वो ले रहे नीचे का नीचे का नीचे का नीचे का ओ हम बाल पापा ए हाथ से खा रहा क्या उसको आइसक्रीम के ऊपर अटैक। और अभी जल्दी सो जाने का और कल सुबह 5 बजे उठने का है समझे हाँ हाँ अभी सोने ही वाली तो चलो अभी मैं जल्दी से सो जाती हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज रहे सुबह के 5 और मैं उठ चुकी हूँ और दादाजी जो है वो आ चुके हैं और अभी है ना वो सब लोग है ना पूजा की तैयारी में ही है, तो मैं भी जल्दी से नहा के रेडी हो जाती हूँ, फिर उसके बाद में हमें मंदिर भी जाना है। ओ भाई साहब आज बजरंगबली का बर्थडे, बच्चे उठ जा प्यारे, उठ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बजरंगबली। पापा देखो आज बजरंगबली का हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो मैंने ना बजरंगबली को हैप्पी बर्थडे टू यू विश कर दिया। आगे मैं नहा के तो है ना अभी मैं ना ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ जो हमने ना कल मार्केट से लाया था, और इसके ऊपर है ये वाली ज्वेलरी, और देखो साइड बाय साइड मम्मी भी रेडी हो रही है। देखो कैसा लग रहा है मेरा न्यू वाला ड्रेस, मस्त है ना। तो अभी मैं और मम्मी सुपर फास्ट जल्दी जल्दी मेकअप कर लेते हैं क्योंकि पापा भी मंदिर चले गए हैं ना, तो पापा अभी वहाँ से फोन करेंगे कि रेडी हुए हैं नहीं हुए। जाती हूँ नीचे, चल रहे। देखो वो रहा वहाँ पे मंदिर, पूजा स्टार्ट हो गई है। ये है हमारे बड़े यादव जी, मीन्स मेरे दादाजी। तो पूजा और हवन जो है वो एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया हो गया है, तो अभी मैं आ गई हूँ घर पर। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, एक बार आप सब लोग कमेंट में लिख देना बजरंग बली की जय और जय श्री राम। तो वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ आप सब लोग क्या बोलते हो 24 आवर्स प्रिंसेस वाला चैलेंज किया जाए, तो वो भी मुझे कमेंट पे जरूर बताना। बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।